हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई प्रॉब्लम के साथ नया सोल्यूशन। जैसा कि मैंने कल कहा था, तो मेरी आज की प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। लाइक मोस्टली ये होता है कि बहुओं को अपनी सासू माँ से प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरा आज का टॉपिक है दामादों को अपनी सासू माँ से प्रॉब्लम। राइट, सही सुना आपने, दामादों को अपनी सासू माँ से प्रॉब्लम, यानी कुछ दामाद अपनी सासू माँ के टॉर्चर से परेशान है। या तो मैं उन दामादों को ये समझाना चाहूँगी कि पहले तो आप अपनी सासू माँ को फ़ोन पे या सामने बिठा के समझाएं कि यार इतना फ़ोन करना, इतना इंटरफेरेंस करना बंद करो हमारी लाइफ में। मैं अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को सही से संभाल सकता हूँ, उसकी केयर कर सकता हूँ। और उन सासुओं को मैं ये बोलूँगी कि दिन में 10 बार अपनी बेटी के घर में कॉल करना, क्या ये ठीक है? सासू माँ 10-10 बार अपने दामाद को फ़ोन करके ये पूछती हैं, ये कहती है मेरी बेटी ने खाया या नहीं, आप उसको ऐसे कैसे रख रहे हो, उसने आज तक ये नहीं पहना, वो मायके में ऐसे रही है वैसे रही है। सब मानती हूँ मैं कि हर माँ को अपनी बेटी की फिक्र होती है, हर माँ ये सोचती है कि मेरी बेटी अच्छे से रहे, जहाँ रहे सुखी रहे, अच्छे से रहे, प्यार से रहे। लेकिन आप इतना इंटरफेयर उसकी लाइफ में करोगे तो वो अपने पास्ट को भूल के अपने प्रेजेंट में कैसे खुश रह पाएगी? यार नहीं रह पाएगी। माँ बाप भी ज़रूरी हैं, सास ससुर भी ज़रूरी हैं, ससुराल भी ज़रूरी है, मायका भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर जिस टाइम प्रेजेंट टाइम में वो है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन लड़कियों से भी कहूँगी कि प्लीज़ वो खुद अपनी माँ को बोलें कि इतना कॉल करना बंद करे, उनकी फ़िक्र करना बंद करे, क्योंकि अब उनकी शादी हो गई है, उनके लिए उनके पास एक फैमिली है जिसका वो ख्याल रखती है, जिसकी वो केयर करती है। क्योंकि एक बहू जब तक अपने ससुराल की प्रॉब्लम नहीं समझेगी, उनकी प्रॉब्लम को साथ में बैठ के सॉल्व आउट नहीं करेगी, तब तक शायद वो एक अच्छी बेटी उस ससुराल के लिए नहीं बन पाएगी, है ना? एम आई राइट? या तो उन सासुओं से कहूँगी कि प्लीज़ इतना फ़ोन करना बंद करें, अपनी बेटी को सर्वाइव करने दें, जीना सीखने दें, उसने नई लाइफ में अपना पहला कदम रखा है तो उसे आगे चलने दें, उसे पीछे ना खींचें, बल्कि उसे समझाएं कि उसका परिवार, नंदे, सास ससुर, बहू, देवर, सब उसके ही हैं, सब उसके अपने हैं। जैसे कि मायके में भाई बहन माँ बाप होते हैं, वैसे ससुराल में पूरी फैमिली है, और वो सारे मिलके उस एक अकेली बहू को संभाल सकते हैं, रख सकते हैं अच्छे से, प्यार से। तो शायद आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा। सासों को बोलूँगी थोड़ा कम फ़ोन करो, थोड़ा कम टॉर्चर करो। बीवियों को बोलूँगी अपने पति का, अपने ससुराल वालों का साथ दो, उनकी प्रॉब्लम को शेयर करना और सॉल्व करना सीखो। और पतियों को बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी बीवियों को थोड़ा खुश रखो, हैप्पी रखो, और अपने ससुराल वालों को भी थोड़ा हैप्पी रखो, और अपनी सासू माँ को समझाओ कि यस आई एम, मैं हूँ, मैं आपकी बेटी को खुश रख सकता हूँ, अच्छे से प्यार से रख सकता हूँ। सो शायद ही आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया होगा। अगले वीक फिर मिलती हूँ आपसे नई प्रॉब्लम के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।